फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो हम लोग के पास दो मास के एक मास है M1 और एक मास है M2, ठीक है। अब मैं मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ओरिजिन पे, ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से अगर मैं मेजरमेंट स्टार्ट करता हूँ, ओरिजिन यहाँ पे हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं होगा, दैट इज वो। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसको मैं बोल देता हूँ एक्स। अब देखो इंटरेस्टिंग बात है कि मासेज अगर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, मासेज एक्स एक्सिस पे है, तो सेंटर ऑफ मास यार एक्स पे ही आएगा, वाई पे तो आएगा नहीं, जेड पे आएगा नहीं। मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू जीरो और जेड एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बट अगर मासेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्स सी एम मैं निकालू, तो एक्स सी एम का क्या फार्मूला था बोलो? एक्स सी एम का था M1 X1 प्लस M2 X2, एंड डिवाइड कर दूं किस से यार, M1 प्लस M2 से। हुआ हुआ बात क्लियर हुआ? अब चलो M1 क्या है, मास M1, और इसका x कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे है 0। M2 क्या है, मास M2, इसका x कोऑर्डिनेट r ही होगा, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट r,0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो x एक्सिस से m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 पे लाई कर रहा है, x वाले m1 से इतने डिस्टेंस पे है। तो m2 से कितने डिस्टेंस पे यार, ठीक है, m1 से आगे चले जाओगे प्लस इतने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। तो m2 से कितना आ जाएगा बोलो, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r माइनस x। तो फ्रॉम m2 से कितने पे आ जाएगा, तो m2 से आ जाएगा r माइनस x। तो r तो पहले ही निकाल, r और माइनस एक्स, ये वाला माइनस करोगे m2r और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये m2r कैंसिल हो गया, तो m1r1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट याद हो तो कोई मतलब बढ़िया बात है, अगर ये डायरेक्ट याद कर लोगे तो डायरेक्ट लोकेट कर सकते हो दो पॉइंट मास का, कभी कभी फ्रिक्वेंटली यूज हो सकता, क्लियर है। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है m1 से m2 के डिस्टेंस पे। अगर मान लो, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर मान लो, ठीक है, कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे हो तो क्या होगा, अगर ये मास m1 है और ये मास m2 और ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, x1 x2 मान लो, X1 और X2 है, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मैं पहले से ही अज्यूम कर ले रहा हूँ कुछ मैं समझाने के लिए, कि ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब ये हुआ कि XCM का फार्मूला लिखूँ तो M1 X1 प्लस M2 X2 और डिवाइड कर दूं क्या भैया, M1 प्लस M2 से। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, तो ये जीरो चला गया और ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि M1 X1 और प्लस M2 X2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, कि ये क्या है, मास मोमेंट है, मास मोमेंट एट द ओरिजिन सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ मास जीरो आ रहा है ना, डिफिनेशन आ गया, समेशन ऑफ mx जीरो आ रहा है। तो मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास पे हमेशा जीरो होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि M1 X1 इज इक्वल टू माइनस M2 X2, निगेटिव साइन इसके लिए आ रहा था, ये इधर है तो उसको इग्नोर कर दो, मॉड ले लो, तो यह आ जाएगा M1 M2 इज इक्वल टू X2/X1। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉन X। X क्या था, X सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस था, ठीक है, मतलब X2 जितना ज्यादा होगा, समझ रहे ना, M1 इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू X2, मतलब M1 जितना ज्यादा होगा X2 उतना कम होगा,
मतलब ये जो पॉइंट है समझना, ये m2 अगर मैं बढ़ाऊं, m2 बढ़ाऊंगा तो ये जो पॉइंट है x2 की वैल्यू कम होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास m2 के पास आएगा। निगेटिव साइन हटा दिया हूं तो मॉड ले लिया हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हैवियर बॉडी के ही पास होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं m2 की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो x2 घट रहा है। x2 कब घटेगा? जब ये पॉइंट इसके करीब आएगा और इससे दूर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट इज लाइक क्लोजर टू द हैवियर बॉडी, जो हम पहले थ्योरेटिकली पोर्शन में पढ़ के आए थे, दैट इज सेंटर ऑफ मास लाइक क्लोजर टू मैसिव बॉडी। जिसके पास मास ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास उसी के पास रहना पसंद करता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आपको मैंने क्लियर किया कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, वो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं, सवाल लगाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इस पर क्लियरिटी आए और ज़्यादा इस पर चमक।